Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक दर्शक ने पूछा है कि व्हाट इज कैप्सुलर कॉन्ट्रेक्चर इन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, तो मुझे याद है शायद हमने पहले कभी एक उसके बारे में डिस्कस किया है ब्रीफ में। देखिए होता क्या है, जब आप ब्रेस्ट में इम्प्लांट डालते हैं तो इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है, आपने उसको बॉडी के अंदर डाल दिया, ब्रेस्ट के नीचे डाल दिया या मसल के नीचे डाल दिया, तो वो एक फॉरेन बॉडी है। तो बॉडी जो होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो उसे एज ए फॉरेन बॉडी देखता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर किसी लड़की के ब्रेस्ट में आपने इम्प्लांट डाला तो उस इम्प्लांट को बॉडी फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगी, जैसे कि बाहर से कोई आदमी अंदर घुसाता है तो आप उसको अपने आप घेराबंदी कर लेते हैं, तो बॉडी उसकी घेराबंदी कर देती है। तो घेराबंदी कैसे करती है, वो उसके चारों तरफ एक लेयर बना देती है, एक परत बना देती है पतली सी, जिससे कि वो जो फॉरेन बॉडी है वो उसी के अंदर रहती है। तो ये जो परत बनती है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ये नेचुरल है। हर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जो इम्प्लांट डालते हैं तो ये कैप्सूल बनती है, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का है। बॉडी अपनी एक परत बना के अपने आप को सुरक्षित कर देती है और इम्प्लांट को एक तरह से आइसोलेट कर देती है। हालांकि इम्प्लांट ब्रेस्ट के अंदर ही है, आपके बॉडी का हिस्सा बन भी चुका है, लेकिन बॉडी ने उसको अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर लिया। ये तो हो गई एक बात, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। अब है कैप्सुलर कॉन्ट्रेक्चर क्या होता है, तो देखिए कैप्सुलर कॉन्ट्रेक्चर तो कभी कभी किसी कारण से वो जो होती है कैप्सूल होती है, वो जो बॉडी की जो परत होती है, झिल्ली होती है, वो श्रिंक कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, वो ब्रेस्ट को टाइटली पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, तो ब्रेस्ट की जो स्मूथनेस है वो चली जाती है, ब्रेस्ट हार्ड फील होती है आपके जो है। तो ये इसको जो हम लोग कैप्सुलर कॉन्ट्रेक्चर बोलते हैं कि कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। और आपको पता कैसे चलता है, आपको पता चलता है क्योंकि वो हार्डनेस शुरू हो जाती है, थोड़ा पेन शुरू हो जाता है, इसके कारण आपको उसके बारे में पता चलता है। अब उसकी रेमेडी क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए वैसे तो हम लोग ये बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं आपके, वो पहले से ही कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं जिससे कि वो कैप्सूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। और अगर आप वो एक्सरसाइजेस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं कि वो कैप्सूल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन फिर भी कभी इन्फेक्शन हो जाए, कभी कुछ लीकेज हो जाए, किसी भी कारण से स्टिल इट कैन श्रिंक। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उसको सर्जिकली उस जो मेम्ब्रेन है उसको काटना पड़ता है, कैप्सूल को काटना पड़ता है, तो उसमें एक आप ये कह सकते हैं कि एक और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल तो थोड़ा कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर के इंसिडेंसेस कम हो गए, लेकिन फिर भी 20 में से शायद एक मरीज को उसकी ज़रूरत पड़े कि कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट कर गई और उसको री सर्जरी की जरूरत पड़ गई है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई है। जो डॉक्टर होता है वो उसको कैप्सूल को काटता है या उसको पूरा एक्सरसाइज करता है या डिफरेंट पॉकेट में डालते हैं। हर सर्जन की अपनी अलग अलग अप्रोच होती है उस बारे में, अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन मैं समझता हूँ 20 में से एक आध मरीज को शायद री सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन आजकल इंसिडेंस इसके काफ़ी कम देखे जा रहे हैं। तो ये एक है इस चीज़ को जो आपने पूछा था कि कैप्सुलर कॉन्ट्रेक्चर क्या है, तो ये जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बबल बना हुआ है, झिल्ली बनी है इम्प्लांट के चारों तरफ, वो अगर श्रिंक कर जाए तो हम कहते हैं कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कैप्सूल श्रिंक कर गई है। और ये कैप्सुलर कॉन्ट्रेक्चर है और इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि कैप्सूल से रिलेटेड जो आपके मन में प्रश्न था उसका आपको समाधान मिल गया होगा, उस शंका का। लेकिन फिर भी एज इट इज़ बट नेचुरल कि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें और हम खुशी खुशी आपकी किसी भी शंका का समाधान करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।